के जोड़े में सजी थी, नई जिंदगी की शुरुआत करने चली थी, लेकिन हाथों में पहना दी गई है हथकड़ी और दुल्हन के जोड़े में सजी धजी प्रीशा को ले आया गया है पुलिस स्टेशन, क्योंकि प्रीशा पर लगा है रुद्राक्ष के बड़े भाई राजीव खुराना के खून का इल्जाम। जी हाँ, जो गुनाह प्रीशा ने किया ही नहीं है, उसी गुनाह का इल्जाम अपने सिर लेकर प्रीशा पुलिस स्टेशन में दाखिल हुई है और इंस्पेक्टर को बता रही है कि कैसे उसकी कार से हुआ है ये दर्दनाक हादसा। प्रीशा अपना बयान देना शुरू करती ही है कि वहाँ रुद्राक्ष भी आ जाता है। रुद्राक्ष के सामने ही प्रीशा हादसे की पूरी कहानी बताना शुरू करती है, लेकिन भाई की मौत से गुस्साए रुद्राक्ष को प्रीशा की किसी भी बात पर यकीन नहीं है। जिसके बाद रुद्राक्ष का रौद्र रूप देखने को मिलता है। सामने रखी टेबल को ही रुद्राक्ष उलट देते हैं। गुस्सा इस कदर है कि अपने भाई की खूनी को रुद्राक्ष पुलिस वालों के सामने ही सजाए मौत देना चाहते हैं। भाई, युवराज की चालें अभी भी खत्म नहीं हुई है। प्रीशा के आई बाबा के सामने युवराज कर रहे हैं नाटक। अंदर वैसे वो दोनों इतने परेशान हैं, अगर यहाँ पे आप लोग ही परेशान होंगे तो उन लोगों को सारा कौन देगा? पापा, एक आदमी, उसकी मौत हुई है, मर गया है वो, लेकिन वो एक एक्सीडेंट था। लेकिन युवराज, मेरी बेटी को हत्या क्यों करा इन लोगों ने? क्योंकि प्रीशा से तो एक्सीडेंट हुआ है, प्रीशा की वजह से एक आदमी की मौत हो गई है। इसी के साथ युवराज ने आई बाबा के सामने किया है एक और खुलासा, वो ये कि राजीव ही हैं सारांश के पिता। युवराज, वो मेरी बेटी, एक जज की बेटी, वो जानते हैं कि कानून को अपने हाथ में नहीं लिया जाता, तो ये कैसे कर सकती है? सारांश के लिए, राजीव की मौत ने रुद्राक्ष को प्रीशा का जानी दुश्मन बना दिया है, लेकिन हमें तो फिलहाल प्रीशा की चिंता है। बेगुनाह होने के बावजूद भी प्रीशा पर खून का इल्जाम जो लग गया है, ऊपर से मुसीबत ये है कि युवराज हैं जरूरत से ज्यादा चालाक। ऐसे में इस बड़ी मुसीबत से प्रीशा खुद को कैसे बचाएंगी, ये देखना होगा बेहद इंटरेस्टिंग। मुंबई से नवीन सिंह भारद्वाज की रिपोर्ट E24।